Assalamu alaikum. My name is Zohaib and you are watching me on my YouTube channel. Today I'm very much excited because I have received a call from one of my best friends that I have achieved 1000 subscribers. और कुछ पिछले कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा मसरूफियत की वजह से मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं YouTube को ओपन कर सकता और आप अंदाज़ा लगा ही लोगों क्योंकि मेरी वीडियोज़ भी नहीं आ रही। तो सबसे पहले तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अभी मैं अपने उस दोस्त को कॉल करने वाला हूँ जिसने मुझे सबसे पहले बताया, उसके साथ हल्की फुल्की गपशप करते हैं। अल्लाह का शुक्र। क्या हो रहा है? मैं घर पे। यार आज का थोड़ा मसला है लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ना कल का प्रोग्राम रखते हैं क्योंकि अभी तुमने मुझे कॉल पे बताया और मैंने बाकी चैनल देखे तो वो 1000 से भी क्रॉस हो गए हैं। तो मैं क्या था अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ कि लाइक हम कल निकलते हैं, लंच करते हैं और हम एक छोटा सा व्लॉग बना के वो भी डाल देते हैं। उससे ये होगा कि एक व्लॉग भी बन जाएगा और एक सक्सेस भी सेलिब्रेट होगा। चल ठीक है, कल फिर इंशाल्लाह 2 o'clock पे फाइन है। चलो ठीक है, 2 बजे बस माइंड में रख ले, 2 बजे का माइंड में रख ले, ठीक है? तो कल का हमारा प्रोग्राम सेट हुआ है, कल इंशाल्लाह हम व्लॉग बनाएंगे और एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट है बहावलपुर से थोड़ा सा आगे, तो वहां पे इंशाल्लाह आपको लेके जाएंगे। तो फाइनली आई एम इन माई कार, तो मैं अपने दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। तकरीबन 10 से 15 मिनट का रास्ता है तो शुरू करते हैं और उसके बाद हम सीधा जाएंगे रेस्टोरेंट में और वहाँ अच्छा सा लंच करेंगे। Hello, how are you and congratulations for reaching 1k subscribers. यार इतने कम टाइम में। वैसे honestly बताऊं मैंने खुद भी नहीं सोचा था and it was all like magic to me कि मैं जब से तूने मुझे कॉल की ना कि यार तेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, तो मैं उसके बाद से यूट्यूब लाइक चेक कर रहा हूँ और मैंने अपनी वो पिछले 48 आवर्स के भी देखे और हर लाइक 2-3 घंटे बाद 15 से 20 सब्सक्राइबर्स जो है ना वो एड हो रहे हैं। तो मुझे एकदम से तो लाइक ड्रीम कम ट्रू या मैजिक लग रहा है यार ये कैसे हो रहा है पॉसिबल। तो उसके बाद जो है ना फिर मैंने कहा यार खाना तो तूने वैसे भी खिलाना है मुझे why not, why not? तो क्यों ना हम उसको जो है ना योर सेलिब्रेशन इज माय सेलिब्रेशन, इट्स ओके, डजंट मैटर हु विल पे। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, यस, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग बहावलपुर से थोड़ा सा आगे एक रेस्टोरेंट है वहां जा रहे हैं। तो राइट नाउ वी आर लाइक ऑलमोस्ट ऑन द एग्जिट स्टेज ऑफ बहावलपुर सिटी एंड करंटली वी आर ड्राइविंग ऑन द ब्रिज ऑफ रिवर सतलुज। तो ये रिवर सतलुज जो है काफी अरसे से ड्राई है लेकिन इसमें ऑन एंड ऑफ पानी जो है वो आता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह अपनी डेस्टिनेशन में होंगे। दिस इज द सतलुज टोल प्लाजा एंड लाइक आई मेंशन वॉलेट खुलेंगे वॉलेट। So like I mentioned, we are just about to exit the Satluj Toll Plaza and our restaurant is like just a few meters away. Okay, Sinha. Okay, is it? Well, I think even Sunday, but I cannot see.
that with the other parking lot. Right now we are in front of our destination. This is Libra Valley. So now we are going to go inside and find out what our order is. So I am with Sajid. So finally, after 30 minutes of our drive, we are here in Libra Valley. We have reached this brief introduction. We will do it later. But now the time is very small, so we are going to go to the main side. So, are we ready? Yes, we are. So, here is a very good looking young man. Yes, let's show it a bit. We think that the lunch buffet just started like an hour ago. This is salad, like this starter. Starter is super vegetarian. So, I think that we should be eating. That's for pasta. पाकिस्तान में इनको उसमें वैलीज है, चाइनीज है, और इंडियन के लिए है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में स्पेशली करना है जो हमारी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी है, और साथ में भी ऑफर कर रहे हैं मार्टिन टू के हमारे पास टिक्का होटिंग है, साथ फिर और नोटिंग जो भी हमारे रेस्टोरेंट और होमी हम यहाँ पे की उसके बारे में गुलाम शाह का दे रहे हैं बहुत जबरदस्त ये आपका फूड आपके लास्ट में डिफरेंट पड़ेगा ई दे रहे हैं पाकिस्तान के बाद केक वराइटीज है So we have taken the brief overview of all the dishes and we're gonna start with the starters. So I'm going to take first like Russian salad, a small amount of macaroni, and the chickpea salad. And not to mention, we are also running short of time, and we have just like 40 to 50 minutes left. We have to complete our food in just 15 minutes. So we have completed the first round. Now you are going to go with the main course? No, I think we should go with soup. Yeah. No, it's still not good for me. But I'll taste it at least. Would you like me to pour for you? What? Would you like me to pour it for you? Yeah, sure, why not? But not too much, like 3 to 4 spoons. How is it? But when you sit down... No, I like soup in winters. Now winter start nahi hua. I like soup in winters, but yeah, winter starting with so. Recording में कह रहा 3 से 4 चम्मच और उसके बाद when it's going to the actual. No, I know my. So Zuleb, क्या खाने फिलहाल आप? I'm eating finger fish लेके आए थे जो वहाँ से and its taste is very amazing. Amazing ना? Mouthwatering to be honest. Rate it out of 10. I think it's 11 out of 10. It's 11, yeah. I was about to say this. And what about the soup? I have just honestly taken 1 or 2 spoons. It's not that much good, but it's okay. I mean, soup is good. Like usually, we get soup like this. I will tell you one thing here. The most enjoyable thing is the cost behind all this. And the cost is very reasonable, economical. That. What? What? But you want to say something? No, say it. I was saying the cost. The cost. I thought.
The cause is like I have achieved a milestone of 1,000 subscribers. So you are in a happy mode. Like, I mean, जो YouTube use करने वाला है ना, they will know कि 1,000 subscribers का मतलब क्या है. लेकिन initially like within 2 weeks. हाँ जी. तो ये इससे मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है. So now it's the third round and we are going to try some Chinese and. I love the fish. Chinese. It was like what was that? Yummy. Italian. So let's have this Alfredo. Small amount of Alfredo pasta. First we'll taste it. And then we'll decide if you have to take it all. I love it. I don't know about you. If you take the proper serving, you will enjoy it. So, are you going to add something with it? Yes. Chow mein. Chow mein. Like you are mixing I'm gonna mix Italian and Chinese. Chinese together? As I mentioned. It'd be much better if you add Chinese and Pakistani food together. It'd be like strong bonding, the already going friendship. Us to taste it. This is a must item. I hope आप लोगों को अभी तक ये सारी चीजें बड़ी मजे की लगी होंगी. अब क्योंकि क्योंकि यहाँ पे ये इसने ऐसे ही करना होता है. ये देखिए अभी भी बहुत ज्यादा खा रहा है और ये एक्टिंग उस टाइम ऐसे कर रहा था कि जैसे मैं जैसे ना बहुत कम खाता हूँ. अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि जस्ट अब हम लोग यहाँ से थोड़ी सी देर में निकलने वाले हैं क्योंकि जो यहाँ के मैनेजर हैं निशान साहब वो कह रहे हैं कि हम आपको अपने रेस्टोरेंट पे थोड़ा सा टूर भी करा देते हैं और किचन भी लाइव दिखा देते हैं. सो फाइनली वी आर डन विद आवर लंच बुफे एंड हैड अ कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन टी एज वेल. तो निशान भाई से हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें थोड़ा सा जो है ना अपना बाहर की जो इनकी आउटडोर की है सारी कैटरिंग वगैरह वो जो उन्होंने रखा हुआ वो भी चेक करा दें, प्लस जो है हम उनके किचन का भी एक लाइव टूर कर लेते हैं. तो मैं यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा स्टे करूँगा ताकि आप लोग नाइट व्यू भी देख लें. बहुत ही अमेजिंग नाइट व्यू होता है इनका. तो आई स्टार्ट कर वॉकिंग इन डोर आप सीटिंग टू कर रहे अंदर ही हमारा क्वालिटेटल और गिल्स और बेकरी आइटम्स जो है उनके लिए हमारे पास जो किचन है वो अंदर ही. बाकी ये लाइव है, लॉन आप देख रहे होंगे इस लॉन. तो यहाँ के लिए एक जो लोगों के कंसेप्ट है कि वो एक चीज़ लाइव चाह रहे हैं. आप शेफ देख रहे हैं अपने प्रोग्रेस में खड़े हुए हैं बेस के लाइव. कोई भी यहाँ पे गेस्ट बैठे हैं तो वो देख सकते हैं हमारे इसमें. ये बार भी आप देख सकते हैं. कॉफी चाहिए, मॉकटेल चाहिए, स्लशीज या कुछ इस तरह के ड्रिंक आप रेकमेंड करते हैं क्योंकि आपको बाहर चीज बहावलपुर में ये कंसेप्ट आराम से लीला होते हैं. What are your reviews? Reviews regarding? Regarding your whole experience, the food, the ambience, the atmosphere inside. Actually, it was an awesome experience, especially the ambience. I mean, अगर आपने रात का व्यू देखा है तो कितना अमेजिंग व्यू आ रहा है रात का. और स्पेशली जो मुझे सबसे ज़्यादा जीवन की अच्छी लगी है स्टाफ बिहेवियर और प्रोफेशनलिज्म. जैसे उन्हें पता लगा कि हम व्लॉग शूट कर रहे हैं और वो मैंने ऑब्वियसली पहले रिजर्वेशन भी कराई हुई थी तो उन्होंने जिस तरह से हमारे साथ कोऑपरेट किया. ऑब्वियसली मेरा जो मेन थीम एम था कि मैं आपको लाइव किचन भी व्यू कराता लेकिन अब हालात ऐसे हैं और कोरोना की वजह से वो मैं अंदर नहीं जा पाया. लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा मज़ा आया है और मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि एक बार इस रेस्टोरेंट को लाजमी ट्राई करें. इफ़ यू आर फ्रॉम बहावलपुर और इन द विसिनिटी ऑफ बहावलपुर तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा. फाइनली अब मैं जो है अवेल हो चुका हुआ है और जो है अपना फीडबैक देने वाला हूँ और जो कि मैं ऑब्वियसली अच्छा देने वाला हूँ. इसके बाद हम इनसे इजाज़त. तो कैसा रहा आज का दिन? यार मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि एक तो दो बातें हैं इसमें. एक तो ये कि मेरा ऑब्वियसली फर्स्ट व्लॉग था तो इस हवाले से मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी. दूसरा जो है कि एक्साइटमेंट तो पता ही है कि 1K सब्सक्राइबर्स तो अब जो है तकरीबन रात के 8 बजने वाले हैं और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं. अप्रॉक्सीमेटली सुबह 10 बजे का उठा हुआ हूँ, कुछ पर्सनल चीज़ें की, फिर व्लॉग के लिए निकल आए तो थोड़ी सी देर में हम घर पहुँचने वाले हैं. तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा आज का व्लॉग, स्पेशली प्लेस के हवाले से कैसी प्लेस थी. दूसरा ये कि अपना मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा चैनल कैसा लग रहा है.
अच्छा उसके बाद मेरा इंशाल्लाह आप लोगों से इंटरेक्शन दोबारा होने वाला है एक सक्सेस स्टोरी के साथ, प्लस टाइम टू टाइम मैं ये अपनी जो है ब्लॉगिंग वगैरह भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।